अभी हम टनल के पास पहुंचने वाले हैं कोई 5 मिनट। ये बूमर वही जॉयस्टिक है, ये ड्रिलिंग करेगा, ड्रिलिंग पैटर्न। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अभी हम जा रहे हैं भद्रवा। वो क्यों जा रहे हैं आपको बता दें, क्योंकि हमारा टनलिंग का प्रोजेक्ट है, वहां पर हम प्रोजेक्ट भी करेंगे और साथ में भद्रवा को एक्सप्लोर भी करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि भद्रवा को जितना हम एक्सप्लोर कर सकें आपको दिखाएँ और टनलिंग की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दें। बाकी हमारे साथ बने रहें। अभी हम प्रेम स्वीट्स पहुंचे हैं, पिज्जा लेंगे खाने के लिए, फेमस सबसे। यहाँ पर आप कभी विजिट करें तो प्रेम स्वीट जाएं, पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। मीठे के शौकीन। Hey guys, welcome to your YouTube channel. So like, subscribe and share this video. लेंगे 5 रुपए। हम पहुंचे हैं बग्गर, जैसा कि आप देख रहे हैं शर्मा जी के ढाबे में। तो यहाँ करेंगे ऑर्डर हम राजमा चावल, दिखाते हैं आपको। बग्गर आए तो राजमा चावल नहीं खाए तो ये बात हो ही नहीं सकती। ये बग्गर जो इनकी ब्रांच है ये जम्मू में ही मिलेगी, लेकिन यहाँ का टेस्ट कुछ अलग है, मतलब ये और बढ़िया बोल सकते हैं। जरूर ट्राई करें जब भी यहाँ से निकलें। पहुंचने वाले 11 किलोमीटर है यहाँ से भद्रवा। पानी भरने के लिए उतरे थे तो कल से ज्वाइन करेंगे अपना प्रोजेक्ट। टनल के बारे में भी बताएंगे आपको कि क्या प्रोसेस रहता है। बस रात को आके यहाँ रुके थे, देख सकते हैं। अभी हम निकल रहे हैं भद्रवा से, अपने टनल की साइड पे जा रहे हैं। तैयार हो गए हैं सारे। हाय गाइस, चलो आपको साइट्स दिखाएंगे टनल की, बाकी जो भी होगा रास्ते में दिखाते चलेंगे। अच्छा भाई, ये पूरा बंदा ट्रिप में फोन नहीं छोड़ रहा, पता नहीं कौन सा। हम 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं टनल के रास्ते में। यहाँ से अब टनल होगी 5 किलोमीटर। पुल डोडा पर खड़े हैं, पुल डोडा। गेट पे पहुंचे तो बड़ा अच्छा स्वागत किया इन्होंने, चाय दिया हमें, बैठ के। अभी हम ले रहे हैं इक्विपमेंट्स जो हम टनल में डाल के जाएंगे। उसमें रहेगा गम शूज रहेंगे, जैकेट रहेगी और हेलमेट्स। वही जॉयस्टिक है, ये ड्रिलिंग करेगा, ड्रिलिंग पैटर्न हम देते हैं, सिविल वाला देता है इनको। टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कैसे करना, फिर ड्रिल करके लोडिंग चार्जिंग एंड ब्लास्ट, ये उसके लिए। ये होते हैं, इसमें रॉड होती है, रॉड के आगे बिट लगता है, बिट ड्रिल करता है, पानी पूनी वही जो मैकेनिज्म है सारा। हाँ जी सर, ये वायर मैश होती है, ये जब हम एलजी लगाते हैं ना, एलजी और उस शॉर्ट किट, स्प्रे शॉर्ट किट करने पहले ये उसके रॉक पे लगा के इसको स्टिच कर देते हैं पूरा प्रोफाइल में, 1-2 मीटर होल्ड कर लेते हैं इसे, इसको हाँ रॉक पे लगा देना है, फिर उसको एलजी लगा के फिर शॉर्ट किट करना है। उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ भी मिलती है और शॉर्ट किट भी चिपकता है अच्छे से, ये उसके लिए। ये हमारा एलजी, ये एलजी है, इसका डिज़ाइन होता है, जैसे इसका डिज़ाइन है ये 25 का होगा या 20-20 का होगा, और बीच में ये बटरफ्लाई है, ये 16 की होगी या 12 की, 16 की है।
ये नट है ना, ये 5-6 में आएगा, अलग अलग में लगेगा जोड़ जोड़। आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक रहा है, आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा और सीखने में बड़ा कुछ मिलेगा। अगर आप जियोलॉजी फील्ड या टनल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सिस्टम रहता है, क्या बनती है, सब पता चल ही गया होगा आप ब्लॉग देखेंगे तो। नहीं, हेक्टिक रहा, पहला दिन था आज हमारा। जो शूज़ इन्होंने दिए थे उनका वेट ही 2-3 kg होगा आराम से, 2 kg था। और दिक्कत काफ़ी चल रही हो रही थी पहन के चलने में, बाकी धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे इन चीज़ों को, तो बाकी 3-4 महीने का है मजबूरी है। यही था चिल कैफे जो लास्ट टाइम आए थे, आखिरकार पहुँच ही गए। अभी हमने पकोड़े और मैगी ऑर्डर की है, खाएंगे यहाँ पे। अभी रूम पहुँचा, फ्रेश हुए, सो जाएंगे, थकान है, नींद आ जाएगी। वैसे तो नींद आती नहीं है, आज जल्दी आ जाएगी। बाकी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं और अच्छा कंटेंट आता रहेगा जैसे जैसे वीडियोस बढ़ती हैं।